सोना हमारे डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि बेहतर नींद और अच्छी नींद आपको फिट रखने में बहुत ही मदद करती है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर और दिमाग को रेस्ट मिलता है, जिससे कि हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं बेहतर से काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए एक दिन में कम से कम 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, और आपको सोने के लिए किसी पोजीशन का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हो या कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी में महिला को भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। उतना ही ज़रूरी होता है कि सोते समय वो अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखे, जैसे कि जिस पोजीशन में आप सो रहे हो उसके कारण आपके पेट पर कहीं दबाव तो नहीं पड़ रहा। ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में सोने से बहुत सारी दिक्कतें पेश आती है। आइए हम इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रितु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं बेबी प्रेगनेंसी पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसका टॉपिक पसंद आए, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी इसके बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और कोई नए टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उस पर भी अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। और मेक श्योर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में सोते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा पोजीशन क्या है। कहीं हमारे पोजीशन की वजह से हमारे पेट पर तो दबाव नहीं आ रहा। ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में भी नहीं सोना चाहिए। सोते समय पैर कैसे रखें, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम इस पे बात करेंगे। आइए जानते हैं कि गर्भावस्था में सोने का सही तरीका क्या होता है, सही पोजीशन क्या होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दोनों पैरों को आपस में जोड़कर ना सोएं। गर्भवती महिला दोनों पैरों को आपस में जोड़ के सोती है, तो इसके कारण पेट के निचले हिस्से पे दबाव पड़ सकता है, जिसके कारण महिला को नींद लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को पिलो का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर पैरों के बीच में तौलिया लगाकर सोना चाहिए, जिससे कि पेट पर दबाव ना पड़े। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे जो मेटर्निटी पिलोज होते हैं वो मिलते हैं, अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी बाई करने में। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। नंबर दो, ऐसी पोजीशन में ना सोए जिससे कि पैरों में ब्लड फ्लो अच्छे से ना हो सके। गर्भवती महिला को ऐसी पोजीशन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए जिसमें कि पैरों तक ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो सके। जैसे कि पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पैरों तक ब्लड फ्लो अच्छे से ना होने के कारण महिलाओं को पैरों में दर्द की और सूजन की समस्या हो सकती है। ऐसे में महिला को अच्छी नींद के लिए पैरों के नीचे 2 तकिया या 3 तकिया लगा के सोना चाहिए, जिससे कि पैरों से जुड़ी सारी समस्याओं से निजात पाने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 3, पैरों के बल या उल्टा होकर ना सोए। गर्भावस्था में महिला को पैरों के बल उल्टा लेट कर नहीं सोना चाहिए या फिर पेट के बल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पैरों के बल उल्टा होकर लेटने से घुटनों का दबाव पेट पर पड़ता है, और उल्टा होकर सोने से पेट पर इसका दबाव पड़ता है, जिसके कारण कि महिला और उसके बच्चे को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, सोने के बाद उठते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। प्रेग्नेंट महिला जब सो के उठती है, तब भी महिला को अपने पैरों का ध्यान सही तरीके से रखना चाहिए, जैसे कि पैरों को झटका देकर बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। पहले करवट लेकर उठते हुए आराम से पैरों को नीचे रखना चाहिए। बहुत सारे लोग को आप लोगों ने देखा होगा कि झटके के साथ उठते हैं। बिल्कुल प्रेगनेंसी में ऐसी कंडीशन नहीं करनी चाहिए, आपको बहुत ही आराम से उठना चाहिए, जिससे कि आपको और आपके होने वाले शिशु को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और प्रेगनेंसी में जो महिलाओं के शरीर में इतनी सारी परेशानियाँ आती है, उससे भी आपको निजात मिले। नंबर 5, अभी तक हमने जाना कि प्रेगनेंसी में किस तरीके से हमें नहीं सोना चाहिए, अपने पैरों का पोजीशन कैसे रखना चाहिए, ये सब जाना। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में सोने के लिए सही पोजीशन कैसे रखनी चाहिए या कौन सी पोजीशन सही है।
गर्भावस्था में बाईं ओर करवट लेकर सोना सबसे बेहतर पोजीशन माना जाता है, क्योंकि इस पोजीशन में सोने से महिला के पेट पर कोई दबाव नहीं पड़ता, बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि इस पोजीशन में सोने पर पैरों तक ब्लड फ्लो अच्छे से होता है, बच्चे तक ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है, जिससे कि माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और रखने में उनको मदद भी मिलती है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको भी इसी पोजीशन में सोना चाहिए। वैसे बहुत मुश्किल होता है कि हर टाइम आप बाई पोजीशन में सोए, आप दाहिने भी सो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने पोजीशन को चेंज करते रहे, और ज़्यादातर टाइम आपको बाई पोजीशन में ही सोना चाहिए, जिससे कि आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहे। मैंने यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर किया कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को किस पोजीशन में सही तरीके से सोना चाहिए, कौन सी पोजीशन बेहतर होती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी इस वीडियो पे डाउट लगे तो आप इस बारे में अपने जो गायनी है उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। वो आपको शुरू से ही बोलते होंगे कि आपको हमेशा लेफ़्ट साइड से सोना चाहिए, बाईं पोजीशन से सोना चाहिए। अगर अभी तक उन्होंने नहीं बताया है आपको तो आप उनसे ज़रूर एक बार इसके बारे में बात करें और उनसे पूछें कि प्रेगनेंसी में बेस्ट पोजीशन कौन सा होता है सोने के लिए, जिससे कि माँ और बच्चे किसी पर भी किसी तरह का खतरा ना हो। ज़्यादातर डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि कोशिश करना लेफ़्ट साइड सोने के लिए, क्योंकि लेफ़्ट साइड सबसे सही पोजीशन होती है बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए लेफ़्ट साइड सबसे अच्छी पोजीशन होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत हम करते हैं, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता हो, थोड़ा भी, तो एक लाइक देकर हमें और मोटिवेट कीजिए ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए, क्योंकि वीडियोस के लिए आप लोग जो नीड होती है आप लोगों को वीडियोस की, उसी वीडियोस को मैं बनाना चाहती हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोग लाइक करोगे उतना ही लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी और उनको भी हेल्प मिलेगी। और वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आपको पसंदीदा वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके इधर उधर आपके आस पड़ोस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी, हेल्थ, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है, आप लोगों को हेल्प भी मिलती है। और आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूले, जिस टॉपिक पर आपको न्यू वीडियो देखना है उस टॉपिक का कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे कमेंट करोगे तब मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं उस पर अच्छे से रिसर्च कर पाऊँ, अपने डॉक्टर से बात कर पाऊँ। ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, और आप लोगों की जो जिज्ञासा है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर अपना कमेंट देते रहिएगा और इसे बहुत सारा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वीडियो जब ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और अपना ध्यान बहुत रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।